अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, एन उसका कोई ऑर्डर है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ए आई जे बोल दिया है कि कोई एलिमेंट है, तो उसका माइनर क्या होगा, एम आई जे, एम से माइनर जो है वो डिनोट किया जाएगा और ये शो करेगा कि ये एलिमेंट जो है उसका माइनर है जो आई थ्रो और जेथ कॉलम में है। क्योंकि ये एलिमेंट के साथ आई जे जो है ये हमें बता रहे हैं कि एलिमेंट ये जो है जिसका हम माइनर लेने जा रहे हैं वो आई थ्रो और जेथ कॉलम में है, तो एम आई जे भी यही डिनोट करेगा कि माइनर उस एलिमेंट का है जो आई थ्रो और जेथ कॉलम में है। ये हमारी सपोज की गई कोई एलिमेंट की प्लेस है। एंड इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन। तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर एन माइनस वन होता है। एन मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है जिसमें हम एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं। जिस एलिमेंट का जब हम माइनर फाइंड कर लेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, एन माइनस वन। मतलब अगर यहां पे ऑर्डर टू है तो यहां टू माइनस वन होगा, अगर यहां थ्री है तो थ्री माइनस वन होगा। ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द आई थ्रो एंड जेथ कॉलम ऑफ ए। ये जो आई और जे हमें रो और कॉलम बताए हैं, उन्होंने कहा है कि उसको लीव करते हुए आई थ्रो और जेथ कॉलम ऑफ ए की हम ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो हमें उस एलिमेंट का माइनर फाइंड होता है। इसकी जो डेफिनेशन है उसमें जो मेन चीजें हैं ये पता चलती है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर एन होता है, और ये जो एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उसको उसकी प्लेस के साथ मेंशन करते हैं, और उसके बाद ये कैसे फाइंड किया जाता है, डिटर्मिनेंट होता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, ऑर्डर उसका क्या होता है, एन माइनस वन होता है। ऑब्टेंड कैसे किया जाता है, लीव करते हैं हम आई थ्रो और जेथ कॉलम को। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या होता है। हमें पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हमें पता लग गया कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या चीज है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्पेसिफिक रो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लीव कर देते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बचते हैं वो मैट्रिक्स का स्क्वायर सब मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 3x3 और इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब A11, A21 और A31 से क्या मतलब है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी प्लेस को डिनोट किया गया है। लेट सपोज मैंने माइनर फाइंड करना है A11 का, तो मैं इसको डिनोट करूंगा M11 से। अब स्क्वायर सब मैट्रिक्स का बताने लगा हूं, क्योंकि हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को लीव कर देना है, तो ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस मैट्रिक्स में से बनता है इसको स्क्वायर सब मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स में से ही स्क्वायर मैट्रिक्स बना है, तो इसीलिए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ये। लेट सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए विद ऑर्डर 2x2। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2x2 है, इसका मतलब इसमें दो रो और दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट में A11 आ गया, A12 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में A21 और A22। अब अगर मैंने माइनर फाइंड करना है 1x1 का तो मैं लिखूंगा M11। अब अगर मैंने माइनर फाइंड करना है A12 का, इधर मैं लिखूंगा M12। माइनर ऑफ A21 तो यहां पे लिखूंगा M21। माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A22।
माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू M22। अब ये कैसे फाइंड करना है, अब हम देखते हैं जी। पहले माइनर ऑफ M11, 11 का फाइंड करने के लिए, इसका मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका है, तो वो ये बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन लिखी है उसमें इन्होंने कहा है कि लीव करनी है आपने आई थ्रो और जेथ कॉलम, इसका मतलब जो जिस रो में वो एलिमेंट मौजूद है उसको आपने इग्नोर करना है और जिस कॉलम में मौजूद है उसको आपने लीव कर देना है। इसका मतलब ये फर्स्ट रो में मौजूद है तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में मौजूद है तो फर्स्ट कॉलम, जो बाकी एलिमेंट बच जाता है वो हमारा माइनर होता है। इसका मतलब M11 जो है वो A22 एलिमेंट है। अब मैंने फाइंड करना है A12 का माइनर, तो इस ही रो को और इस कॉलम को इग्नोर कर देंगे तो मेरा M12 आ जाएगा। तो M12 ये रो और इस कॉलम को लीव करते हुए जो बाकी एलिमेंट बच गया है वो होगा जी A21, इसका 1-2 का माइनर। अब मैंने माइनर फाइंड करना है A21 का, तो इस रो में है इसको इग्नोर कर दूंगा, इस कॉलम में है इसको इग्नोर कर दूंगा, तो जो एलिमेंट बाकी बचता है वो मेरा माइनर ऑफ A21 होगा। माइनर ऑफ A21 इज इक्वल टू A12 एलिमेंट। अब मैंने फाइंड करना है माइनर ऑफ A22, तो इस रो को और इस कॉलम को जब मैं लीव करूंगा तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेगा वो है A11, तो इसका माइनर होगा A11। लेट सपोज A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, उसकी एंट्रीज है 3, 5, 7, 9। अब ये वाली जो प्लेस है इसकी, ये है A11, ये है A12, ये है A21 और ये है A22। अब M11 क्या है, A11 इसका माइनर होगा A22, तो A22 मेरे पास है इक्वल टू 9। M12 इसका जो माइनर है वो A21 है, A21 यहां पे 7 है तो इसका माइनर होगा 7। M21 जो है ये माइनर है A21 का और इसका माइनर इक्वल है A12 के, इसका मतलब A12th एलिमेंट जो है वो है 5, तो इसका जो माइनर होगा वो इक्वल टू होगा 5 के। लास्ट माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू A11, A11 एलिमेंट कौन सा है मेरे पास 3, तो ये होगा माइनर ऑफ A11। ये मेथड है जिसके जरिए से हम 2x2 साइज के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का माइनर कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जो है ऑर्डर 3x3 का, इसके एलिमेंट्स हैं जी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब अगर मैंने माइनर फाइंड करना है A11 का, तो ये इक्वल होगा M11 के। अब इसका मेथड देखते हैं जी किस तरीके से हमने माइनर फाइंड करना है। इस माइनर को फाइंड करने के लिए वही मेथड है जी, आपने जो एलिमेंट का आप माइनर फाइंड करने जा रहे हैं उस प्लेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम होगी उसको आपने लीव कर देना है। A11 है इसका मतलब फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम का मैं लीव करता हूं, मेरे पास जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बाकी बचेगा इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट लेंगे हम A22, A23, A32, A33 का, क्योंकि ये चार एलिमेंट्स हमारे पास बाकी बचे थे, ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स था, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमारा माइनर होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद जो एलिमेंट होगा। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट को जो सेकेंड डायगोनल है उसके प्रोडक्ट में से माइनस कर देते हैं। मतलब A22 को मल्टीप्लाई करना है A33 के साथ, माइनस कर देना है हमने A32 को मल्टीप्लाई करके A23 के साथ। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा माइनर होगा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में मौजूद एलिमेंट का।
ये है मेथड। अब मैंने फाइंड करना है माइनर ऑफ ए टू टू, तो क्या लिखूंगा जी, माइनर ऑफ ए टू टू का एम टू टू आ जाएगा। इस रो को और इस कॉलम को लीव कर दें। अब मेरे पास जो चार एलिमेंट्स बचे हैं उसका लेंगे हम डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन वन, ए वन थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, जो डायगनल्स वाली जो वैल्यूज हैं एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट को माइनस करके, मेन डायगनल के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे जो एल्सवेयर वाला डायगनल है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी माइनर ऑफ टू टू आएगी। इसी तरीके से हम, यही मेथड है कि जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट का आप माइनर फाइंड करने जा रहे हैं उस रो को और उस कॉलम को आप लीव कर दें, बाकी के जो एलिमेंट्स बचते होंगे उनका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो वो उस रो और उस कॉलम में मौजूद एलिमेंट का माइनर होगा। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3x3, इट मींस ये वाले मैट्रिक्स में तीन रोज और तीन कॉलम्स हैं, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 9, 10। अब मैं फाइंड करता हूं 9 जो एलिमेंट है थर्ड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद उसका माइनर। इसका माइनर किसके इक्वल होगा जी, माइनर ऑफ थर्ड रो है और सेकंड कॉलम में मौजूद ये एलिमेंट है, इसका माइनर आएगा इस रो को और इस कॉलम को लीव करते हुए। ये चार एलिमेंट्स बचते हैं, इनका लूंगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे आएगा जी, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, माइनस कर दूंगा 2 को मल्टीप्लाई करके 5 से, 6 ones are 6, -5 twos are 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 4। ये माइनर होगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद जो एलिमेंट है उसका। लेट्स सपोज अब मैं फाइंड करना चाहता हूं 3 का माइनर, तो 3 का माइनर क्या होगा, ये माइनर ऑफ 1 रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करूं तो मेरे पास ये चार एलिमेंट्स बचते हैं, इनका लूंगा मैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे आएगा जी, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके -7 को 6 से मल्टीप्लाई करके, 10 2s are 20, -7 6 are 42। इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया माइनस का 22। तो माइनर ऑफ इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास आ गया आंसर माइनस का 22। ये माइनर है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद जो एलिमेंट है उसका। इसी तरीके से हम जो ये 3x3 जो मैट्रिक्स है उसमें मौजूद 9 एलिमेंट्स के 1x1 हम माइनर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जब हमने एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना होता है तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।